ये महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन से जिसके अंदर और ऑर्डर मत लो, वहाँ पे टाइम हो गया है। हाँ तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग? सज्जनगढ़ खत्म किया था, वहां से हम लोग गए थे होटल आराम करने। क्या हुआ? अरे यार, आप लोगों ने अगर पार्ट वन नहीं देखा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा, तो जाइए पहले पार्ट वन देखिए। हाँ तो सज्जनगढ़ खत्म करके होटल आराम करते 2 बज गए थे और 2 बजे हमें लग गई थी भूख। गूगल करने पे गूगल ने हमें बताया कि उदयपुर में अगर आप लोगों को बेस्ट नॉनवेज खाना है तो जाइए होटल रहमानिया। तो बिल्कुल हम फटाफट होटल रहमानिया भागे, वहाँ पे वेटर से पूछा और सारी फेमस डिश हमने ऑर्डर कर दी। लाल मांस था, बटर चिकन था, मटन की कुछ और चिकन की कुछ काफ़ी सारी आइटम्स थी, सभी कुछ हमने खाया। अब टेस्ट के बारे में बताओ तो टेस्ट काफ़ी टेस्टी था, लजीज था, मतलब एक नंबर। लेकिन दिक्कत एक ही थी कि चिकन मटन दोनों ही थोड़ा कच्चा था। ये बात हमने वहाँ के ओनर को भी बताई और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग उदयपुर जाए और गूगल ने आपको कहा कि होटल रहमानिया जाओ तो बिल्कुल मत जाना, खाना अच्छा है लेकिन थोड़ा कच्चा है। खैर तो खाते खाते हमें बज गए थे 4 और सिटी पैलेस में 5 बजे एंट्री हो जाती है बंद, तो हम वहाँ से सीधा भागे सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में टिकट ली और वहाँ पर हमने एक स्मार्ट गाइड हायर किया, जो कि बाद में पता चला कि वो स्मार्ट नहीं था, वो थोड़ा ओवर स्मार्ट था। खैर तो चलिए सिटी पैलेस। क्योंकि महल आप देखना है राजस्थान का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का दूसरा नंबर का पैलेस होता है। जैसे जैसे आवश्यकता होती रही उस प्रकार से इस महल का निर्माण किया गया। महल को बनाने में 450 साल लगे। तो ये है मेन गेट। तो गाइस ये है फर्स्ट एंट्री। ये महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन से जिसके अंदर उनकी 2 तलवार, ये भाला, ये ढाल। बेटा इन सभी का वेट कितना लिखा हुआ देखो, 35 kg। महाराणा प्रताप ही कैसे महाराज थे जो अपने पास 2 तलवार रखा करते? उसका सिंपल सा कारण है, अगर दुश्मन के पास तलवार नहीं है तो स्वयं भी तलवार देने के बाद ही प्रहार किया करते, निहत्ते में कभी वार नहीं करते। दूसरा, अपने जीवन कार्यकाल में शपथ लिया था, जब तक मुगल से मेवाड़ को आजाद नहीं करा दूंगा, सोने चांदी की थाली में नहीं खाऊंगा, मूंछ पर ताव नहीं दूंगा और जीवन पर्यंत आदिवासी। तो सिटी पैलेस में 1.5 घंटा बिताने के बाद फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर निकले, एक्चुअली निकलना पड़ा। खैर लेकिन सिटी पैलेस के बाहर काफ़ी बढ़िया सा मार्केट लगता है, मतलब आप लोग वहाँ की ट्रेडिशनल हैंडमेड काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से अच्छे से स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी और गोरी गोरी लड़कियाँ भी। यस, क्योंकि फॉरेनर्स का वहाँ पर मेला लगा रहता है। खैर तो उसके बाद हम लोग गए बगोरे की हवेली। अब बगोरे का म्यूजियम हम देख नहीं पाए क्योंकि वो शाम हो गई थी, बंद हो गया था, तो पास में जो लेक है। बहुत ही ब्यूटीफुल और शाम को एक अलग ही नज़ारा। सो लेक पर आधा एक घंटा बिताने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और फिर सलमान के साथ जो हुआ है ना वहाँ पे, मतलब एक आइसक्रीम के लिए बंदा, यार मैं नहीं बता पाऊँगा, आप लोग खुद देख लीजिए। तो
तो हम लोग वेट कर रहे थे कि सलमान की आइसक्रीम वाले के साथ आंख मिचोली बंद हो, और जैसे ही वो बंद हुआ ना हम लोग वहाँ से निकले, और अब वो लेवल आ गया था कि सब ने बोल दिया था कि भाई सीधा होटल चल, क्योंकि सुबह से निकले थे सज्जनगढ़ इधर उधर पैलेस फलाना ढिमका, बहुत थक गए थे तो सीधे होटल गए। होटल पे बहुत ज़्यादा मस्त आराम किया, और फिर वेट इज़ ओवर, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, हम सबको इंतज़ार था, सुना था मास्टर शेफ जय कुमार के अड्डे पे द एग वर्ल्ड हम लोग पहुँचे। Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running. And out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that done. Damn, she took that thing off and bring it around. Tandoori omelette. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Oh, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah. Back in that, hey, where you gone? Hey, back in that bag again. Now bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook. No, I ain't at. You can? Crunchy slice. We splattering. Calling her friend. Tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They love that baby. Nah, I'm addict now, but loving to splash again. I just be cashing in her buns just like a wedding. I'm crashing in hundreds on hundreds. I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching and dishing. Back in my bag, going back again. I feel like Aladdin, yeah. Guys, मैं मेरा personally अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं ज़्यादा मसालेदार eggs की कोई भी item मैं खा ही नहीं पाता, लेकिन यहाँ का जो experience रहा ना, मैंने इतना ज़्यादा आज तक नहीं खाया, इतना tasty egg की items आज तक नहीं खाई। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि उदयपुर जाओ तो मास्टर शेफ जय कुमार के द एग वर्ल्ड रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना। थकान और खाना जब मिलता है तो क्या होता है, यस नींद आती है, तो होटल जाकर सीधा सो गए। तो यस यार, ये आज का हमारा डे नंबर 2 था। मिलते हैं कल सुबह, कल सुबह भी काफ़ी सारी प्लानिंग्स है, कल मिलते हैं। A carpet flying through orbits, ain't doing no talking. Why? Damn, my body as soon as I walk and be stalking. ये सीधे हाथ की तरफ मेवाड़ की जितनी भी शत्रानियाँ थी, रानी पद्मिनी मीराबाई करनावती, उनमें पर्दा पड़ता होती। आपने देखा होगा रानियाँ घूंघट में रहती।